जायके के इस लजीज सफर में जुड़ने के लिए जायका विद ज़ोहरा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने चैनल जायका विद ज़ोहरा में आपको बनाना सिखाएंगे डोसे के साथ खाए जाने वाला सांभर, चटनियाँ कई तरीके की, जैसे कि टमाटर की चटनी, चने की दाल की चटनी और मूंगफली की चटनी। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो चलिए ना बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मूंगफली की चटनी बनाना सिखाएंगे। यहाँ पर हमने मूंगफली को छिलके उतार लिए हैं और इसको भून लिया है। इसको जार में डालेंगे। ये नारियल है, अदरक, हरी मिर्च है और लहसुन है। इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, थोड़ा सा नमक डलेगा स्वाद अनुसार। और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे इमली का पल्प, एक चम्मच। अब इसको हम पीस कर चटनी बना लेते हैं इसका। मूंगफली की चटनी एक नई वैरायटी के साथ आप ज़रूर ट्राई करिए। चलिए अब बारी आती है चने की दाल की चटनी की। यहाँ पर हमने कई सारी चीज़ें ली हैं, तो चलिए सबसे पहले इसको हम बनाना शुरू करते हैं। इसमें हम तेल डालेंगे थोड़ा सा। तेल गरम होना शुरू हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम करी पत्ता, लाल मिर्च, हरी मिर्च, लहसुन की कुछ कलियां और सरसों। अदरक भी लिया है हमने यहाँ। करी पत्ता, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, लाल मिर्च, सरसों। अब है चने की दाल। इसको ना हमने भिगोया है, बस सीधे बॉक्स में से निकाल के इसको हमने डाल दिया है। नमक डाला है थोड़ा सा स्वाद के अनुसार। इसको अच्छे से भून लेंगे, थोड़ा सा इसका कलर बस चेंज हो जाए इतना। ये नारियल का पाउडर डाला है हमने, नारियल का बुरादा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें नारियल भी डाल सकते हैं, पका हुआ भी और कच्चा, किसी भी तरह का नारियल आप इसमें डाल सकते हैं। इसको ठंडा करके पीस लेंगे। तब तक हम बनाते हैं अपनी दूसरी चटनी। इसमें बस डाला है हरी मिर्च, लाल मिर्च सूखी हुई। आप मिर्च की मकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब लहसुन की कुछ कलियां जाएंगी। डोसा की रेसिपी हमने अपनी पिछली वीडियो में शेयर करी थी आपके साथ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक मिल सकता है, आप उसको भी देख सकते हैं डोसे की वीडियो को फिर से दोबारा। अब इसमें एक प्याज हमने स्लाइसेस में काट के डाल दी है। टमाटर डाले हैं दो स्लाइसेस में काट के। अब बस थोड़ा सा इसको भूनेंगे। इसको ढक देते हैं ताकि टमाटर नरम हो जाएं। टमाटर काफी नरम हो चुके हैं।
ठंडा होके उसमें नमक भी डाला था, ठंडा होकर हमने पीस लिया है। तीनों चटनियाँ हमने तैयार करनी है। इसके तड़के में हमने डाला है सरसों है, करी पत्ता है और लाल मिर्च। तेल में इसको डाल देंगे। तीनों चटनियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं सांभर की तरफ। डोसे के साथ जितनी आप वैरायटी की चटनियाँ बनाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप चाहें तो एक दो चटनी स्किप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई एक या दो चटनी भी आप बना सकते हैं। इसके लिए हमने अरहर की दाल ली है थोड़ी सी, जिसको तूर की दाल भी कहते हैं। कुकर में हमने पानी डाला है, दाल डपनी डाली है, हल्दी डलेगी और नमक अपने अंदाज से आप डाल सकते हैं। और बस इसको चला के हम प्रेशर देंगे। तकरीबन 3 सीटियां हम इसमें देंगे। ये देखिए, प्रेशर देने के बाद कुछ इस तरह से हमारी दाल गल चुकी है। थोड़ा पतला ही अगर हम रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब सांभर का तड़का तैयार करते हैं। तो सबसे पहले तेल डाला है, इसमें जाएगी थोड़ी सी सरसों, करी पत्ता और थोड़े से मेथी के दाने। थोड़ा तड़कने देते हैं। यहाँ हमने कुछ सब्जियाँ भी काट के रखी हैं, जैसे कि ये भिंडी है, थोड़ा सा बैंगन है, बैंगन के छिलके उतार लिए हैं। चला देते हैं इसको। अब जाएगी लौकी, थोड़ी सी हमने लौकी ली है। अगर आपके पास वेजिटेबल थोड़ी कम है तो आप एक या दो वेजिटेबल स्किप भी कर सकते हैं। हरी मिर्च डाली है हमने, आप हरी मिर्च ज़्यादा भी कर सकते हैं। टमाटर की है, थोड़ा सा खट्टा अच्छा लगता है, इसीलिए टमाटर ज़रूर पड़ेगा। आप मिर्च की मिकदार बढ़ा भी सकते हैं। प्याज हमने अभी नहीं डाली है, प्याज बाद में डालेंगे, ताकि प्याज जो है थोड़ी सी खड़ी खड़ी अच्छी लगती है जब मुंह में आती है। हल्दी डाला है यहाँ आधा चम्मच तकरीबन। मिक्स कर लेंगे। ये नमक है स्वाद अनुसार, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये 1 टीस्पून हमने लाल मिर्च ली है, लाल मिर्च पाउडर, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। भुनने लगी है सब्जी। ये देखिए, तेल छोड़ दिया है, इसका मतलब है कि सब्जियां भुन चुकी हैं। अब इसमें लास्ट में प्याज हम ऐड करेंगे, मोटी मोटी काट के। प्याज को पहले नहीं ऐड करना है साथ में, बल्कि लास्ट में ऐड करना है जब भुन जाएगा, ताकि प्याज थोड़ी कच्ची कच्ची मुंह में आए। ये इमली का कुछ हमने पल्प डाला है, पानी डाला है इसको। इमली लेके आप पानी थोड़ा सा डाल के उसमें भिगो सकते हैं। ये सांभर मसाला है, आसानी से पैकेट में अवेलेबल है। एवरेस्ट का आपने डाला है यहाँ,
तकरीबन 2 चम्मच हमने डाला है, 2 टीस्पून एवरेस्ट का सांभर मसाला, आसानी से मार्केट में मिल जाता है। अब हम अपने इस तड़के को दाल में डालेंगे और फिर इसको तेज़ आंच पर 1 सीटी दे देंगे, धीमी आंच पे नहीं, याद रखिएगा, तेज़ आंच पे 1 सीटी, ताकि सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पर आप नमक चेक कर सकते हैं, हमको नमक थोड़ा सा कम लग रहा है इसलिए और ऐड कर देते हैं नमक। तेज आंच पर 1 सीटी, आप हमारे चैनल जायका विद ज़ोहरा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें हमारी वीडियोस। ये देखिए तैयार हो चुका है, इसको हमने कढ़ाई में पलट लिया है और कितना खूबसूरत अच्छा लग रहा है और टेस्ट में भी उतना ही अच्छा है। ये देखिए हमारा सब कुछ तैयार हो गया है, तीनों तरह की चटनी है और सांभर।